हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेवेंथ का जो हमारा पार्ट वन का बुक है उसके अंदर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए आपको एंगल के बारे में कुछ पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि स्कूल में आपने एंगल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो अब डिफरेंट होने जा रहा है अब जो आप पढ़ने वाले हो उसके साथ, है ना। तो स्कूल का एंगल का कॉन्सेप्ट अलग था, अब जो आप एंगल का कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हो वो अलग है और वो नेसेसरी है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री को समझना है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री आप स्कूल में जो पढ़े थे वो ट्रिग्नोमेट्री कैसा था? वो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री था। आपने राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़ा था जहां पर आपको सिर्फ एक्यूट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता था और आप उसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। लेकिन अब जो आप ट्रिग्नोमेट्री देखने जा रहे हो तो इसके अंदर आपका एंगल का मेजरमेंट कितना होगा इसको कोई भी बाउंडिंग नहीं है, ये बाइंडेड नहीं है कि आप एंगल 90 डिग्री तक ही लेंगे या 360 डिग्री तक। आपका एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, ठीक है, पहली चीज। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पढ़ना है तो आपको इस टॉपिक के थ्रू जाना ही होगा। ये बेसिक टॉपिक है, इसको आपको समझना होगा। तो इस टॉपिक के अंदर हम डायरेक्टेड एंगल का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं सबसे पहली बात, और डायरेक्टेड एंगल का कॉन्सेप्ट समझने के बाद में हम देखेंगे लेंथ ऑफ द आर्क का कॉन्सेप्ट और एरिया ऑफ द सेक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट देखने के बाद में ये टॉपिक फिनिश होता है, फिर हम बेटा स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो इस टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है, ये टॉपिक के अंदर का कंटेंट सिंपल है लेकिन प्रिसाइजली आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इसके अंदर कहा क्या गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम इस टॉपिक को। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग स्कूल के अंदर जो आप लोगों ने एंगल के बारे में पढ़ा था तो स्कूल के अंदर ज़्यादातर आपको एंगल इस तरीके से डिफाइन किया हुआ रहता है कि कोई भी एक आपके पास पॉइंट है, इस पॉइंट में से दो नॉन कोलिनियर रे निकलेंगे तो वो दोनों बना के जो मिला रहे हैं वो होता है आपका एंगल। तो आप इस एंगल को इस तरीके से पढ़ सकते थे AOB या फिर BOA, या फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर एक ही एंगल फॉर्म हुआ है तो आप इसको सिर्फ एंगल OB बोल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर और एक एंगल फॉर्म हुआ है तो सिंगल लेटर से आप इसको नाम नहीं दे सकते। तो ये चीज़ आपने पढ़ी थी, ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन अब एंगल का डेफिनेशन ऐसे नहीं रहेगा। अब एंगल का डेफिनेशन कैसे रहेगा तो पढ़ते हैं इसको। देखिए, आपके सामने एक प्लेन है बेटा, ठीक है। अब इस प्लेन के अंदर मैं एक रे निकालता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास आ गया है एक रे। अब इस रे को आपको पता है कि रे क्या होता है, एक पॉइंट में से निकलता है और इन्फिनेटली आगे बढ़ते जाता है। अब इस वर्टेक्स को मैंने नाम दिया ओ, और रे के ऊपर कहीं पर तो एक पॉइंट लिया जिसको मैंने डिनोट किया ए से, तो रे का नाम बन गया रे ओ ए। अब बेटा इसको हम फिक्स करेंगे ओ को, ओ की जगह पर किला मार देते, इसको ठोक देते। अब ये अगर फिक्स हो गया ओ, तो ये जो ओ ए है इसको पकड़ के मैं या तो इस डिरेक्शन में रोटेट कर सकता हूँ ऐसे, या फिर इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप इस रे ओ ए को इस डिरेक्शन में रोटेट करते हो तो ये अगर आप घड़ी के कांटे के हिसाब से अगर इसको देखेंगे, उसके साथ में अगर इसको कंपेयर करेंगे, तो बेटा ये अगर घड़ी का हैंड है, किसी भी क्लॉक का हैंड है ये, और ये अगर इस डिरेक्शन में घूम रहा है तो ये क्लॉक के हैंड्स इसी डिरेक्शन में घूमते ना, तो ये वाला जो डिरेक्शन है घूमने का रे का, इसको बोला गया है क्लॉकवाइज डिरेक्शन। मतलब आपका अगर रे इस डिरेक्शन में, प्लेन के अंदर अगर आपका रे इस डिरेक्शन में घूमता है तो बेटा इस रोटेशन को इस रे के इस डिरेक्शन में रोटेट होने को कहा जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, इसको बोला जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन। अब आपके पास एक और विकल्प है, आपका रे इस डिरेक्शन में भी रोटेट हो सकता है, तो इस वाले डिरेक्शन में जब आपका रे रोटेट होता है तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसको क्लॉकवाइज बोला है तो ये आराम से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी का मतलब ही क्या होता है, अपोजिट होना, तो ये क्लॉक के हिसाब से चल रहा है तो ये क्लॉक के विरुद्ध चल रहा है, अपोजिट चल रहा है, तो बेटा ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहली चीज डायरेक्टेड एंगल में हमें ये समझनी है कि आपके पास प्लेन के अंदर एक रे है, ठीक है, जो रोटेट होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते, अब जो आपका रे दिया हुआ है आपके सामने, तो पहले तो वो रुका हुआ है रोटेट होने से पहले, तो वो है उसका इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब ये जो रे है
ये इसके इनिशियल पोजीशन पर है, ये रोटेट होगा आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मान लीजिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होकर यहाँ आके रुक गया है, तो मैं इसको बोलता हूँ ओ ए डैश। ठीक है, पहले इसका पोजीशन था ओ ए, अब इसका पोजीशन है ओ ए डैश। समझ में आ रही बात बेटा? अब अगर ये ओ ए डैश पोजीशन पर आके रुका है, तो ये जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है ना, ये है आपका एंगल। ठीक है बेटा, तो इस एंगल को हम नाम कैसे देंगे? ये है आपका डायरेक्टेड एंगल ए ओ ए डैश। क्या नाम दिया मैंने इसको? डायरेक्टेड एंगल ए ओ ए डैश। ये कोई डिजाइन नहीं बनाया मैंने, ठीक है, ये आपको कुछ बताना चाहता है। ये क्या बताना चाहता है? जब आप सिर्फ एंगल का यही वाला सिंबल लेते हो तो ये डायरेक्टेड एंगल को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सिर्फ आपको बता रहा है कि दो रे एक ही पॉइंट में से निकलने के बाद बनने वाला एंगल जो होता है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इस वाले सिंबल पर अगर आप एक ऐसा कर्व मार देते हो तो इसका मतलब होता है कि भैया ये सिर्फ एंगल नहीं है, ये डायरेक्टेड एंगल है, ये डायरेक्टेड एंगल है। ठीक है, ये वाला कर्व बताता है कि ये डायरेक्टेड एंगल है। और अगर ये डायरेक्टेड एंगल है तो इसको जो नाम दिया है उसमें भी एक खासियत छुपी हुई है। क्या खासियत है? देखो बेटा, डायरेक्टेड एंगल में इंपॉर्टेंस होता है कि रे का रोटेशन हो रहा है, और अगर रे का रोटेशन हो रहा है तो वो इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजीशन तक जा रहा है, मतलब कहीं से ना कहीं से स्टार्ट कर रहा है और कहीं पे जाके रुक रहा है वो। तो जहां से स्टार्ट कर रहा है उसको हमने बोला है एंगल का इनिशियल आर्म। ये है एंगल का इनिशियल आर्म। तो इनिशियल आर्म को सबसे पहले जगह दी गई है। जब भी आप एंगल का डायरेक्टेड एंगल का नाम लिखेंगे तो जहां से एंगल का रोटेशन स्टार्ट हुआ है, जो भी उसका इनिशियल आर्म है, उसको आपको पहले लिखना है। ठीक है, तो मैंने लिखा AO। ठीक है, नाम कहां से आएगा? इस तरीके से नाम आएगा, तो ए ओ ए डैश इस तरीके से नाम आएगा, क्योंकि इनिशियल आर्म पहले आएगा और फिर आएगा ओ ए डैश। तो इसके अंदर ये जो ए ओ होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है इनिशियल आर्म को, ये हो गया आपका इनिशियल आर्म। और ये जो ओ ए डैश होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है टर्मिनल आर्म को। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? टर्मिनेटेड। टर्मिनल का मतलब होता है रुक जाना। अब आपका रे स्टार्ट हुआ है रोटेट होना यहाँ से और आके रुक गया है यहाँ पर, तो ये इस एंगल का, ये जो डायरेक्टेड एंगल फॉर्म हुआ है हमारे सामने, इसका ये बन गया टर्मिनल आर्म। ठीक है बेटा, टर्मिनल आर्म। अब अगर ये मान लीजिए ये जो रे है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, यहाँ पर आके रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पर आके ये रुक गया, तो मैंने इसको नाम दिया ओ ए, इसको नाम देता हूँ मैं बी। ठीक है बेटा, अब अगर मुझे इस डायरेक्टेड एंगल को नाम देना है तो मैं कैसे नाम दूंगा? डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी, ऐसे नाम दूंगा मैं। ये बन गया मेरा डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी बोला है, तो ऑब्वियसली ए ओ इसका इनिशियल आर्म है, मतलब इनिशियल पोजीशन कर रही है, और वो भी इसका टर्मिनल आर्म है। ठीक है बेटा, तो गलती से भी आप एक चीज समझ लो कि यहाँ पर एंगल ए ओ डैश को आप एंगल ए डैश ओ ए नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डायरेक्टेड एंगल है। तो पहले आप ऐसे नाम देते थे कि ओ ए ओ ए डैश बोला, या फिर ए डैश ओ ए बोलो, दोनों भी एक ही बात है। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब डायरेक्टेड एंगल है। अगर आप बोलते हो ए डैश ओ ए तो इसका मतलब होता है ए डैश ओ आपका इनिशियल आर्म है और ओ ए आपका टर्मिनल आर्म है। ठीक है बेटा, तो नाम को ध्यान में रखेंगे, जब भी आप जिस प्रकार से नाम दे रहे हो तो वो बेसिकली आपके इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म के बारे में बताता है। तो यहाँ पर भी डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू डायरेक्टेड एंगल बी ओ ए। तो इससे क्या पता चलता है हमें? इससे ये पता चलता है कि डायरेक्टेड एंगल जो फॉर्म होता है वो बेसिकली दो रेज की वजह से ही फॉर्म होता है, लेकिन हम यहाँ पर दो रेज को अलग अलग नहीं मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हमारे पास एक ही रे है, वो एक पोजीशन से घूमना स्टार्ट कर देगा और दूसरे पोजीशन पर जाकर रुकेगा। तो पहले पोजीशन पर वो था ना, तो उसकी परछाई वहाँ पर रुकी हुई है, उसके फुटप्रिंट से हमने उसको एक रे बोला है, और वही रे जाके टर्मिनल आर्म पे रुका है, जहाँ पर भी जाके रुका है वो हमारा उसका अंतिम जगह है। तो इन दोनों के बीच के आया हुआ जो पोर्शन है उसको हमने बोला है कि वो हमारा एंगल है जो फॉर्म हुआ है। तो बेटा बेसिकली जो आपका डायरेक्टेड एंगल होता है, डायरेक्टेड एंगल होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू रेज। ठीक है, तो मतलब ये जो आपका डायरेक्टेड एंगल है यहाँ पर ए ओ ए डैश, तो बेसिकली ये है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दो एलिमेंट्स आने वाले हैं जिनका पोजीशन फिक्स होता है। मैंने जैसे बोला ना अभी, यहाँ पर अगर मैं ए ओ ए डैश बोल रहा हूँ तो पहले पोजीशन पर आएगा ए,
AO जो कि इनिशियल आर्म है और दूसरे पोजीशन पर आएगा OA डैश जो कि टर्मिनल आर्म है। तो इनको बना के आपका मिलता है AO A डैश। तो बेसिकली आपका डायरेक्टेड एंगल ऑर्डर्ड पेयर से दो रेज का, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट रहेगा ऑर्डर्ड पेयर का दैट विल बी योर इनिशियल आर्म ऑफ द एंगल, इनिशियल रे रहेगा, और जो सेकंड एलिमेंट रहेगा ऑर्डर्ड पेयर का दैट विल बी योर टर्मिनल आर्म, ठीक है। तो बेटा ये हो गया डायरेक्टेड एंगल के बारे में। अब एक चीज, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो आपने डायरेक्टेड एंगल लिखा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के फॉर्म हुआ है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि सिर्फ नाम से तो ये पता नहीं चलता। तो अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है बेटा। क्यों? क्योंकि जब मैं लिखूंगा एंगल AOB तो जब तक मैं इसका मेजरमेंट नहीं लिखता मुझे नहीं पता चलेगा कि AO जो रे है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा है या क्लॉकवाइज घुमा है। कैसे? देखो, एंगल AOB का अगर मैं मेजरमेंट लिखता हूँ 60 डिग्री, तो अगर ये मेजरमेंट पॉजिटिव है तो समझ लेना कि आपका एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के एंगल फॉर्म हुआ है। और अगर इसको अगर आप -60 डिग्री लिखते हो तो आपको समझना है कि इस एंगल का इनिशियल रे जो है, इनिशियल आर्म AO है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के ये एंगल फॉर्म हुआ है। तो इसे समझ में क्या आता है बेटा? जब भी आपका रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके एंगल फॉर्म करेगा तो जो भी एंगल बनेगा उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, मतलब वो पॉजिटिव रहेगा एंगल। और जो भी रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होके फॉर्म होगा तो उस एंगल का जो मेजरमेंट रहेगा हमारा उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो एंगल को दिया हुआ रहते हैं, मतलब अगर कोई बोलता है -210 डिग्री का एंगल है, 210 डिग्री का एंगल है, -210 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो रे है, आपका जो रे है वो बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है, ठीक है। तो कितना घुमा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ तक आ गया वो 180 के हिसाब से, और फिर आगे 30 डिग्री तक, मतलब बेसिकली ये वाला एंगल है आपका ये, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट किया और यहाँ आके रुक गया, तो बेटा ये है आपका एंगल जिसका मेजरमेंट है -210 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हम आगे देखने वाले टाइप्स ऑफ एंगल्स में, अभी आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है डायरेक्टेड एंगल का कॉन्सेप्ट। तो डायरेक्टेड एंगल के कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा कि ड्यू टू द रोटेशन ऑफ रे आइदर इन द एंटी क्लॉकवाइज और इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन द फॉर्म द एंगल इज द डायरेक्टेड एंगल। तो जो भी डायरेक्ट एंगल फॉर्म हो रहा है वो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द रे से फॉर्म हो रहा है, और रोटेशन ऑफ द रे से फॉर्म हो रहा है तो इसलिए वहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर बनती है, क्योंकि पोजीशन का इंपॉर्टेंट आता है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है उसको पहले पोजीशन पर रखना है, एंड कहाँ पर हुआ, रुका कहाँ पर, उसको सेकंड पोजीशन पर। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूम के फॉर्म हुआ है तो एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे हम पॉजिटिव से, पॉजिटिव साइन से, वो पॉजिटिव रहेगा एंगल, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए तो एंगल रहेगा नेगेटिव, ठीक है बेटा। और लिखने का तरीका हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये सब कुछ था डायरेक्टेड एंगल के बारे में। अब इसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर बताए हैं उन सभी को बारीकी से देखना है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ से आगे हम ये वाला सिंबल हटाने वाले हैं और सिर्फ सिंपल एंगल वाला सिंबल देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम जो भी एंगल पढ़ने वाले हैं वो डायरेक्टेड एंगल रहेंगे और हमें पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव रहने वाले हैं। अगर नेगेटिव रहा तो हम समझ लेंगे कि क्लॉकवाइज घुमा है, और पॉजिटिव रहा तो हम समझेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा डायरेक्टेड एंगल का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पर पढ़नी थी इस टॉपिक में वो था डायरेक्टेड एंगल, जो मैंने आप लोगों के साथ अच्छे से डिस्कस किया है। अब इसके बाद में जो टॉपिक आता है बेटा वो है हमारा टाइप्स ऑफ द एंगल, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ द एंगल में मैंने यहाँ पर लिखे रखा है, काफ़ी सारे टाइप्स है तो कोई भूल ना जाए इसलिए मैंने यहाँ पर सारे टाइप्स लिखे हैं। तो जीरो एंगल है, वन रोटेशन एंगल है, या फिर इसको कंप्लीट एंगल भी कहा जाता है, वन रोटेशन एंगल को कंप्लीट एंगल भी कहा जाता है, ठीक है। कंप्लीट एंगल है, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एंगल ऑफ एनी मेजर एंगल से स्टैंडर्ड पोजीशन, ये सारे एंगल्स है, 9 एंगल्स है, तो ये हम देखेंगे अभी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आता है जीरो एंगल। अब जीरो एंगल किसको बोला गया है? देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टेड एंगल, मतलब हमारे पास एक ही रे है जो रोटेट होकर एंगल फॉर्म करने वाला है। अब मेरे पास है एक रे OA, ठीक है। अब जीरो एंगल किसको कहा जाएगा? ये OA रे है जिसका रोटेशन मैंने स्टार्ट किया लेकिन वो रोटेट ही नहीं हो, वो उसी जगह पर रुका, तो मैंने नाम दे दिया उसको OB,
मतलब बेसिकली एक ही रे है जो रोटेट भी नहीं हुआ, लेकिन नाम तो देना पड़ेगा ना एंगल को, तो मैं बोल रहा हूँ कि वो भी दूसरा रे है जो कि बगैर रोटेशन का रुका हुआ है। मतलब जीरो एंगल हम उसको कहते हैं कि जब आपका रे रोटेट ही नहीं होता किसी भी डिरेक्शन में, तो वो होता है जीरो एंगल। तो इसको नाम कैसे देंगे आप? आपका इनिशियल आर्म था ओ ए और टर्मिनल आर्म है ओ बी, ठीक है। अब इसको नाम दिया जाएगा ओ ए बी, ठीक है बेटा। तो इसमें ओ ए बना इनिशियल आर्म, ए बी बना टर्मिनल आर्म, और रोटेशन हुआ नहीं तो इसका मेजर हुआ जीरो डिग्री। तो जीरो एंगल, जिसको जीरो एंगल उस एंगल को बोलेंगे कि जब रे का रोटेशन ही नहीं होता तब जो एंगल फॉर्म होता है हम उसको बोलते हैं जीरो एंगल। तो ये था पहला वाला जीरो एंगल। फिर बेटा इसके बाद में आता है वन रोटेशन एंगल। नाम से ही हमें पता चलता है कि वन कंप्लीट रोटेशन करना है, वन रोटेशन एंगल। अब वन रोटेशन एंगल को कंप्लीट एंगल भी बोला जाता है, वन कंप्लीट एंगल, इसको कंप्लीट एंगल भी बोला जाता है। तो बेटा वन रोटेशन एंगल का मतलब क्या होता है कि आपका इनिशियल आर्म जिस पोजीशन पर है वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के फिर से उसी पोजीशन पर आके रुकेगा, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के फिर से उसी पोजीशन पर आके रुकेगा। मतलब वन रोटेशन एंगल हम किसको बोलते हैं? आपके पास है एक ओए रे, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के फिर से वहीं पर आ रहा है, तो टर्मिनल आर्म को मैंने बोला ओबी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो बेसिकली ओए बी है, जिसका मेजरमेंट है 360 डिग्री। बेटा जब आपका पूरा रे रोटेट होके फिर से उसी पोजीशन पर जब आता है, तो वो एक रोटेशन खुद के ये जो वर्टेक्स वो है ना जिसके बाजू में वो घूम रहा है, तो वो एक कंप्लीट रोटेशन फॉर्म कर रहा है जिसका मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। समझ में आई बात बेटा? तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि वन रोटेशन एंगल या फिर कंप्लीट एंगल का रोटेशन मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। फिर अगर यही रे मान लीजिए ओए रे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के आता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी हमारा वन रोटेशन एंगल का सिर्फ क्राइटेरिया क्या है कि जहाँ से आपका एंगल घूम, जहाँ से रे घूमना स्टार्ट हुआ है वहीं पर आके अगर रे रुकता है एक बार घूम के अगर वहीं पर आके रुकता है तो जो एंगल फॉर्म होगा दैट विल बी योर वन रोटेशन एंगल। अब यहाँ पर OA घूमना स्टार्ट किया OA ने और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और घूम के यहीं पर आके रुक गया, एक बार में घूम के आके रुक गया, तो मैंने टर्मिनल आर्म को नाम दे दिया B। तो बेटा ये बन गया OAB। लेकिन अब इसका डायरेक्शन घूमने का कैसे है? क्लॉकवाइज है, तो बेटा इसका हम बोलेंगे -360 डिग्री का इसका मेजरमेंट है, ठीक है। तो ये 360 डिग्री बन गया एंटी क्लॉकवाइज में घूमकर, और ये है देखो ये एरो का जो डायरेक्शन है वो हमें बताता है कि आपका घूमना कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है या फिर क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पर एरो का डायरेक्शन कैसा है, ठीक है, डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, इसे पता चलता है। तो बेटा ये वन हमेशा याद रखेंगे, वन रोटेशन एंगल का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री, वो कंप्लीट मतलब इनिशियल पोजिशन और टर्मिनल पोजिशन एंगल की रे की सेम होती है, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप था हमारा जो था वन रोटेशन एंगल। फिर इसके बाद में आता है हमारा थर्ड टाइप बेटा, जिसका नाम है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट एंगल का मतलब है कि आपका रे घूमना स्टार्ट करेगा और घूमकर एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मतलब जो भी रे आपने लिया है इनिशियल रे उसका अपोजिट रे आपको निकालना है, ठीक है। तो जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ पर ये OA है और ये घूमकर यहाँ पर आके रुक गया और इसने बना दिया 180 डिग्री का एंगल। तो इसको मैं अगर B बोलता हूँ तो ये बन गया डायरेक्टेड एंगल OAB। आप देख रहे हो मैं यहाँ पर ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टेड एंगल है और हमें एंगल के मेजरमेंट से पता चलता है। अगर वो पॉजिटिव है तो हम समझेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज घुमाए। तो बेटा स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। तो अगर यही रे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता इस वाले डायरेक्शन में तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, जो फॉर्म होगा उसका हम -180 डिग्री का -180 डिग्री बोलेंगे। तो स्ट्रेट एंगल बेसिकली ये होता है जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला जो टाइप है हमारा एंगल का वो है राइट एंगल। ये सभी को पता है राइट एंगल क्या किस तरीके का होता है। देखो बेटा ये एंगल्स आप लोगों ने पढ़े हैं पहले भी, लेकिन वहां पर कंसेप्ट रोटेशन वाला नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंसेप्ट रोटेशन वाला आया है। तो जब आप राइट एंगल बोलेंगे तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है इससे आपको समझ में आएगा कि रोटेशन कौन से डायरेक्शन में हुआ है। तो राइट एंगल कैसे रहेगा? इनिशियल पोजिशन, देखो मैं हमेशा इनिशियल आर्म ऐसे ही निकाल रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
प्लेन में इनिशियल आर्म कहीं पर भी हो सकता है, आपका इनिशियल आर्म ये भी हो सकता है, ठीक है। अब ये घूमेगा ओके अराउंड, ठीक है, ओके अराउंड घूमेगा, कितना घूमेगा, 90 तक घूमेगा, समझ रहे हो बात को। तो ये अगर ऐसे घुमा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये है आपका टर्मिनल आर्म। तो ओ ए बी एंगल बना ओ ए बी, और जिसका मेजरमेंट है 90 डिग्री, और अगर यही एंगल ये इनिशियल आर्म अगर ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये माइनस 90 है और ये प्लस 90 है। तो ये समझने के लिए आसान होता है, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल रे हमेशा इनिशियल आर्म लेता हूँ, हमेशा मैं इनिशियल आर्म क्या लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल रे लेता हूँ। क्यों? क्योंकि समझने में दिक्कत नहीं आती, अदरवाइज आप स्टार्ट तो कहीं से भी कर सकते हो, प्लेन आपका है भाई साहब, आप कहीं पर भी रे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो राइट एंगल 90 डिग्री मेजर का होता है और कुछ इस तरीके से होता है। फिर नेक्स्ट टाइप आता है हमारा, वो है एंगल्स ऑफ एनी मेजर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, एंगल्स ऑफ एनी मेजर, जो कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे काम आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा टाइप एंगल्स ऑफ एनी मेजर। अब एंगल्स ऑफ एनी मेजर में हमें समझना क्या है, तो एंगल्स ऑफ एनी मेजर में हमें समझना है कि जो प्लेन के अंदर आपका रे है ओ ए, अब ये रोटेट होगा। देखिए मैं जब एंटी क्लॉकवाइज के लिए बोल रहा हूँ तो सेम चीज़ क्लॉकवाइज के लिए आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। मैं हर टाइप में दोनों भी चीज़ें नहीं बताऊंगा अभी। अब अगर मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको समझना है कि सेम क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो आपके पास एक रे दिया है ओ ए, अब बेटा ये रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये 90 का भी एंगल बना सकता है। ये अगर इस तरीके से यहाँ पर आके रुक गया तो ये 180 बनेगा, अगर ये यहाँ पर आके रुक गया तो ये क्या बनेगा, 270 का एंगल बनेगा, और ये अगर यहाँ पर रुक गया तो आपको पता है 1 कंप्लीट रोटेशन वाला 360 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन क्या इसके बाद ये घूम सकता है, बिल्कुल घूम सकता है। ये अगर घूम के यहाँ पर फिर से आ गया तो ये 360 प्लस 90 वाला एंगल बनेगा। ये अगर घूम के यहाँ पर आ गया, एक कंप्लीट रोटेट एक चक्कर लगाकर अगर यहाँ पर आता है तो ये पहले का 360 और फिर 180, मतलब 360 प्लस 180 बन गया। फिर अगर ये घूमकर यहाँ पर आता है तो ये 360 प्लस 270 बन गया, और फिर दूसरा रोटेशन कंप्लीट करता है तो 360 प्लस 360, मतलब ये बन गया 720 डिग्री का एंगल। तो बेटा ऐसा आप कितना भी बड़ा एंगल फॉर्म कर सकते हो, कैसे, आपको क्या करना है, बस रोटेशन को बढ़ाना है। तो आप जितने रोटेशन लगाते जाएंगे तो 360 से मल्टीप्लाई करते जाओ और एंगल आपका उतना बड़ा होता जाएगा। ये जिस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, सेम आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बना सकते हो, आप बात को समझे। तो बेटा ये जो हेडिंग था ना एंगल ऑफ एनी मेजर, ट्रिग्नोमेट्री में यही होगा। अब तक आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन 60 का वैल्यू निकाला है, लेकिन आगे जाके आपको साइन 780 का अगर वैल्यू निकालना है या फिर जो भी है कुछ भी, तो आपको ये वाला काम भी आने वाला है, समझे आप बात को। क्योंकि 780 का मतलब क्या होता है, आपका जो एंगल है, आगे हम टाइप पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड एंगल वगैरह, तो एक्स एक्सिस से घूमकर ये इस तरीके से एंगल बनेगा। जब आपको 780 का एंगल देखना है ना, तो एक कंप्लीट रोटेशन लेंगे तो 360 बनेगा, तो और एक रोटेशन लेंगे तो 720 बनेगा, और फिर आगे 60 का रोटेशन बना के ये इतना बड़ा एंगल बनेगा। तो बेटा किसी भी मेजर का आप एंगल आप बना सकते हो, क्यों, क्योंकि आपके हाथ में आ गया है रोटेशन वाला फॉर्मूला। मतलब आपने एंगल को आप ऐसे इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया है कि एंगल कोई ऐसा नहीं है कि दो रे एक पॉइंट में से निकलेगा और जो बनेगा वो एंगल, तो आप एंगल को ऐसे डिफाइन कर रहे हो कि एक रे है वो जितना मर्जी रोटेट कर ले, जितना भी घूमेगा उतने डिग्री का एंगल आपके पास बनेगा। तो इनफिनिट डिग्री का भी एंगल आपके पास हो सकता है, उसके लिए आपको इनफिनिट रोटेशन लगेंगे, इधर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होगा ये बेटा। मैंने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज बोला था, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ये अप्लाई करना है आपको। तो बेटा ये था एंगल्स ऑफ एनी मेजर। अब आगे टाइप आता है आपका एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। ये जो नीचे वाले टाइप से ना अभी आ रहे हैं, एंगल्स इन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंटल एंगल, कोटर्मिनल एंगल, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। तो आगे का एंगल है आपका एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो बेटा एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन किसको कहा गया है, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब आपके पास आ गया है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, आप प्लेन के फोर पार्ट्स करते हो विद द हेल्प ऑफ टू लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप बोलते हो एक्स एक्सिस, एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को आप बोलते हो वाई एक्सिस।
तो जिस बंदे ने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था उस बंदे को क्या करना था, एक पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करना था प्लेन के अंदर। तो इसके लिए उसने क्या किया, दो लाइन की हेल्प से प्लेन के चार टुकड़े कर दिए, जिसको हमने क्वाड्रेंट बोला है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो अभी हमें ये सारी चीजें हमने क्वाड्रेंट में पढ़ी है 10 तक। अब बेटा हमें क्या आज करना है, हमें देखना है कि स्टैंडर्ड पोजीशन में का एंगल किसको कहा जाता है। तो बेटा उस एंगल को, उस डायरेक्टेड एंगल को हम कहते हैं कि वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है जो एंगल आपका स्टार्ट होता है। देखिए उस एंगल का वर्टेक्स तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर रहेगा और वो एंगल का इनिशियल पोजीशन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर रहेगा। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और अगर इनिशियल आर्म ऑफ एंगल अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इस बात को समझो बेटा, अगर आपका जो भी एंगल है, डायरेक्टेड एंगल है जो फॉर्म होने जा रहा है, तो उसका इनिशियल आर्म अगर पॉजिटिव अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है, और अब अगर ये रोटेट होता है किसी भी डायरेक्शन में, मान लीजिए कि आपका इनिशियल आर्म अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, अब ये रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इतना मतलब एंगल कितना बना, ये वाला एंगल बन गया आपका OAB, ये एंगल बना है। अब ये एक एंगल मैंने लिया है, ठीक है बेटा। अब यहां पर एक और रे मैं निकाल देता हूं, इसको मैं बोलता हूं CO, इसको मैं बोलता हूं D। तो बेटा यहां पर मेरे पास तीन एंगल से, एक है AOB, एक है मेरे पास AOC और एक है मेरे पास DOB। तीनों भी डायरेक्टेड एंगल से, ठीक है, तीनों भी डायरेक्टेड एंगल है। अब अगर आप पहले को देखेंगे, AOB को देखेंगे बेटा, तो AO बन गया इनिशियल आर्म, OA बन गया इनिशियल आर्म और वो रोटेट होके OB के पास जा रहा है। तो आपका जो इनिशियल आर्म है दैट इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जब भी आपके डायरेक्टेड एंगल का इनिशियल आर्म अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा, तो उसको आप बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड पोजिशन में है एंगल। तो स्टैंडर्ड पोजिशन में एंगल होने के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि जो भी आपका डायरेक्टेड एंगल है, अगर उसका इनिशियल आर्म अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो खत्म हो गई बात, वो डायरेक्टेड एंगल स्टैंडर्ड पोजिशन में है, फिर जाके वो कहीं पर भी रुके उससे कोई मतलब नहीं है। तो बेटा यहाँ पर एंगल AOB है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन। अगर मैं बात करता हूँ एंगल AOC की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो AOC में फिर से OA जो है आपका, AO जो है रे, वो फिर से अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, रोटेशन इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी डायरेक्शन में हो। तो ये जो बना है AOC वाला एंगल, तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर ये एंगल है आपका स्टैंडर्ड पोजीशन में। क्यों? क्योंकि इस एंगल में भी आपका इनिशियल आर्म अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। अब तीसरे को देखते हैं, तीसरा डायरेक्टेड एंगल है आपका DOB, ध्यान में रखना बेटा मैंने इसको डायरेक्टेड एंगल कहा है। तो आपका तीसरा डायरेक्टेड एंगल है DOB। अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो आपका जो DO दिख रहा है ना आपको, ये जो DO है बेटा, तो ये DO आपका, ये जो DO है आपका, तो ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये इनिशियल आर्म है, ये बेटा यहां से रोटेट होके यहां पर आके पहुंचा है। तो यहां पर एंगल है आपका DOB, मतलब OD बन गया इनिशियल आर्म और OB बन गया टर्मिनल आर्म। तो इस वाले डायरेक्टेड एंगल में आपका जो इनिशियल आर्म है, क्या वो अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है? नहीं, वो यहां पर है और ये कोई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नहीं है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है। तो यहां से आपका एंगल स्टार्ट हो रहा है और यहां पर आके रुक रहा है, तो ये डायरेक्टेड एंगल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये डायरेक्टेड एंगल है, लेकिन ये स्टैंडर्ड पोजीशन में डायरेक्टेड एंगल नहीं है। पहले दो डायरेक्टेड एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है क्योंकि उनका इनिशियल आर्म जो है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो कभी भी आपके प्लेन में अगर जो भी डायरेक्टेड एंगल स्टार्ट करता है इनिशियल, उसका पोजीशन अगर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड पोजीशन में होना, ठीक है। तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की बात होता है, एंगल इन क्वाड्रेंट किसको कहा गया है? तो अब देखिए, डायरेक्टेड एंगल तो होना जरूरी है एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में आने के लिए, लेकिन एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, एंगल इन क्वाड्रेंट के लिए आपका जो एंगल है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होना जरूरी है, ये बात समझो। मतलब आपके पास एक एंगल है जो स्टैंडर्ड पोजीशन में है, मान लीजिए कि ए ओ डी आपका एंगल है, ठीक है,
यहाँ पर एंगल ए ओ डी भी आपका स्टैंडर्ड पोजिशन में है, ठीक है, आपका एंगल है ए ओ डी जो कि स्टैंडर्ड पोजिशन में है, ठीक है। अब एक एंगल है आपका एंगल ए ओ बी, ये भी स्टैंडर्ड पोजिशन में है, और एक एंगल है आपका ये वाला जो कि है ए ओ सी, ये भी स्टैंडर्ड पोजिशन में है। तो बेटा पहले तो एंगल इन क्वाड्रेंट, एंगल्स इन क्वाड्रेंट के लिए पहले तो वो एंगल स्टैंडर्ड पोजिशन में होने चाहिए। अब ये जो एंगल है स्टैंडर्ड पोजिशन में, ये कौन से क्वाड्रेंट में है एंगल, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, किस आधार पर कह रहा हूँ कि ये जो एंगल है एओडी एंगल दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये किस आधार पर मैं कह रहा हूँ, तो इसके लिए आधार ये है कि आप जिस भी एंगल को, जो भी आपका स्टैंडर्ड पोजिशन का एंगल है, उसका टर्मिनल आर्म आपको देखना है। आपका टर्मिनल आर्म जिस भी क्वाड्रेंट में रहेगा वो एंगल उस क्वाड्रेंट में है, ऐसा हम कहने वाले हैं। इस बात को अच्छे से समझ लो, ये आपको आगे काम में आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में। बेटा यहाँ पर एंगल AOD जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्यों, क्योंकि पहले तो बात ये स्टैंडर्ड पोजिशन में है, दूसरी बात इसका टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखिए एंगल AOB है ये स्टैंडर्ड पोजिशन में है और इसका टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो एंगल AOB जो है वो एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट में हम बोलेंगे उसको, दिस एंगल, एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंगल इन अ क्वाड्रेंट, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्यों, क्योंकि इस एंगल का टर्मिनल आर्म सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर आता है आपका एंगल AOC, तो बेटा ये है एंगल AOC, इसको हम बोलेंगे एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्यों, क्योंकि ये रोटेट होके, पहली तो बात ये स्टैंडर्ड पोजिशन में है, ठीक है, तो जो एंगल स्टैंडर्ड पोजिशन में है उसी का हम क्वाड्रेंट बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते। तो पहले तो ये स्टैंडर्ड पोजिशन में है, तो स्टैंडर्ड पोजिशन में होने के बाद में ये क्या हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हम बोलेंगे एंगल AOC इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब बेटा इसके बाद में आता है ये जो है ना एंगल DOB, अब ये तो पहली एट द फर्स्ट प्लेस दिस इज नॉट एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन, दिस एंगल इज नॉट इन द स्टैंडर्ड पोजिशन, तो इसका किसी भी क्वाड्रेंट में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा नेक्स्ट टाइप जिसको हमने कहा एंगल्स इन स्टैंडर्ड, एंगल्स इन अ क्वाड्रेंट। अब इसके बाद में आता है टाइप क्वाड्रेंटल एंगल, सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल जो है, क्वाड्रेंटल एंगल किसको कहा जाता है, तो फिर से बेटा यहां पर मैं आपको है ना एक चीज थोड़ा सा अंडरलाइन करके बताता हूं, क्या कि एंगल्स इन पोजीशन, एंगल्स इन क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल, ये दोनों भी एंगल, ये दोनों भी चीजें हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन एंगल्स के बारे में, उन डायरेक्टेड एंगल्स के बारे में जो एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन में है, जो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में, मतलब अगर आपका एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है तो वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है वो आप बता सकते हो, और वो एंगल क्वाड्रेंटल एंगल है या नहीं वो भी आप पहचान सकते हो। तो एंगल अगर क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्वाड्रेंटल एंगल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कैसे, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेटा अभी हम हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो हमारा नेक्स्ट टाइप है। क्वाड्रेंटल एंगल किसको कहा है, सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में चाहिए, मतलब इनिशियल आर्म कहां पर चाहिए, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो मेरा जो एंगल है वो स्टार्ट होगा ओ ए से, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब अगर ये एंगल, ये जो रे है ये रोटेट होके अगर किसी भी एक्सिस पे आके रुकता है, मतलब अगर ये इतना रोटेट होके यहाँ पर आके रुकता है, यहाँ पर आके रुकता है, यहाँ पर आके रुकता है, या फिर खुद के ऊपर आके फिर से उसी पोजिशन आके रुकता है, तो ऐसे एंगल को क्वाड्रेंटल एंगल बोला गया है। देखो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में का एंगल इनिशियल रे एक बार रोटेट होना स्टार्ट कर देगा तो उसको बीच में नहीं रुकना है कहीं पर भी, ना तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुकेगा, सेकंड में रुकेगा, थर्ड में रुकेगा, फोर्थ में रुकेगा, उसका स्टेशन कहाँ कहाँ पर है, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे रुके, या फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर रुके रोटेट होके, या फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पर आके रुके, या फिर वो फिर खुद की पोजीशन पर आके रुके, तो ऐसा अगर वो करता है तो उसको बोला जाता है क्वाड्रेंटल एंगल। जैसे कि यहाँ पर मैं बी नाम देता हूँ, सी देता हूँ, डी देता हूँ। अब अगर आप बेटा यहाँ पर देखेंगे तो डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, तो इस एंगल को मैं क्वाड्रेंटल एंगल बोल सकता हूँ, क्यों,
ये राइट का मतलब क्या है, ये क्वाड्रेंटल एंगल है, मतलब ये बताने के लिए मैंने राइट किया है। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल क्यों है, क्योंकि इसका इनिशियल आर्म है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन और टर्मिनल आर्म किसी न किसी एक्सिस पर है। फिर एंगल एओसी, एओसी भी क्वाड्रेंटल एंगल है, क्यों, क्योंकि इसका जो टर्मिनल आर्म है वो एक्सिस के ऊपर है। फिर है एंगल एओडी, ये वाला एंगल है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो, क्लॉकवाइज ले रहे हो तो ये कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल ए ओ डी, तो इसका जो टर्मिनल आर्म है वो अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, एक्सिस पर है। तो इसी तरीके से आप अगर यहां पर एक और नाम देते हो ई, तो एंगल ए ओ ई बोलेंगे आप, तो ये वन रोटेशन वाला एंगल बन गया, खुद की जगह पर आ गया, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल है। तो बेटा अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो क्वाड्रेंटल एंगल जो होता है आपका, तो वो बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 होता है, मतलब वो 90 के मल्टीपल में आता है। जैसे कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है 90 डिग्री का, फिर ये क्वाड्रेंटल एंगल है 180 डिग्री का, फिर ये क्वाड्रेंटल एंगल है 270 डिग्री का, फिर ये क्वाड्रेंटल एंगल है 360 डिग्री का। फिर अगर आप एक कंप्लीट रोटेशन करके फिर यहाँ पर आते हो तो 360 प्लस 90 आएगा। तो जो भी क्वाड्रेंटल एंगल होता है आपको, वो बेसिकली इट इज़ अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है बेटा। तो अब देखिए, मैंने कहा था कि एंगल आपका स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए, तभी जाके वो क्वाड्रेंटल एंगल हो सकते हैं। अगर रे एक्सिस के ऊपर आके नहीं रुकता है, कहीं पर बीच में रुकता है स्टैंडर्ड पोजीशन में होने के बावजूद, तो उसको हम बोलते हैं एंगल इन अ क्वाड्रेंट। ये एंगल क्वाड्रेंट में है और ये क्वाड्रेंटल एंगल है, ये एंगल इन क्वाड्रेंट है और ये है क्वाड्रेंटल एंगल, समझे बात को। अब बेटा ये हो गया क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में। तो क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में हमने देखा कि वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 होता है, मतलब 90 के मल्टीपल्स में जितने भी एंगल्स आएंगे स्टैंडर्ड पोजीशन के, वो सारे के सारे क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। फिर इसके बाद में लास्ट है हमारा कोटर्मिनल एंगल। कोटर्मिनल एंगल को समझ के लेंगे बेटा, कोटर्मिनल एंगल, तो किसी भी एंगल को कोटर्मिनल एंगल कब कहा जाता है, जब एंगल का इनिशियल पोजीशन, मतलब दो एंगल्स को कोटर्मिनल एंगल, को का मतलब क्या होता है, कोटर्मिनल का एंगल का, को का मतलब क्या होता है, एक ही होना, जैसे हम कोलिनियर बोलते हैं, आपने ये टर्म सुना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, या फिर जिन पॉइंट्स से हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। तो यहां पर आया है कोटर्मिनल। को का मतलब क्या, कोटर्मिनल का मतलब क्या होता है कि जिनका इनिशियल पोजीशन भी एक ही है और टर्मिनल पोजीशन भी एक ही है। तो मान लीजिए कि आपका एंगल यहां से घूमना शुरू हो जाता है तो यहां पर आके रुकता है, और इसका जो मेजरमेंट है वो 30 डिग्री का है। तो इस एंगल को मैं नाम देता हूं ए ओ बी, ठीक है। तो बेटा ये एंगल डायरेक्टेड एंगल ए ओ बी है, जिसका डायरेक्शन, जिसका मेजरमेंट है 30 डिग्री का। अब इस एंगल का कोटर्मिनल एंगल कौन सा रहेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, तो इसके लिए आपको ऐसा एंगल ढूंढना है कि जिसका इनिशियल पोजीशन यही है और जिसका टर्मिनल आर भी यही है। तो ऐसा कौन सा एंगल हो सकता है, तो उसके लिए बेटा आपको एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करके आना पड़ेगा। मतलब आप यहीं से स्टार्ट करेंगे और आप रोटेट होते 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 फिर से उसी जगह पर आके रुकेंगे, उसी टर्मिनल आर, अदरवाइज आपको मिल ही नहीं सकता। तो या तो एक आपके पास तरीका है कि आप इसको जिस डायरेक्शन में ये एंगल है उसी डायरेक्शन में इसका वन कंप्लीट रोटेशन करके वहीं पर आके रुक जाओ, मतलब आपका को टर्मिनल एंगल क्या बन गया, वही है एंगल ए ओ बी, ठीक है, इसको ए डैश बी डैश बोलते हैं। तो ये बन गया एंगल ए डैश ओ बी डैश। अब इसका मेजरमेंट कितना है, तो 30 प्लस 360 इसका मेजरमेंट है। तो बेटा क्या इसको एक ही को टर्मिनल एंगल हो सकता है क्या, तो अगर आप फिर से एक रोटेशन बढ़ा देते हो तो फिर से एक कोटर्मिनल एंगल मिलेगा, तो ये सारे एक दूसरे के कोटर्मिनल एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब दो कोटर्मिनल एंगल के बारे में हम बात करते हैं तो उनके मेजरमेंट का डिफरेंस 360 आता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एंगल निकाला था रे के रोटेशन से, 30 डिग्री का एंगल मैंने लिया था, ठीक है बेटा। तो ये था ए ओ बी, तो इस एंगल का मेजरमेंट था 30 डिग्री। अब इसका कोटर्मिनल एंगल आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम के भी निकाल सकते हो, क्योंकि कोटर्मिनल एंगल के लिए कंडीशन सिर्फ इतनी है कि इसका जो भी एंगल कोटर्मिनल रहेगा उसके लिए इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म यही होने चाहिए जो पहले वाले एंगल के थे। तो हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते,
तो OA को ही रोटेट कर रहे हैं, इनिशियल पोजिशन OA है, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके यहाँ लाके रुका थे। तो ये जो है हमारा एंगल बन रहा है एंगल AOB, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, इनिशियल आर्म इसका यही है और टर्मिनल आर्म भी यही है। तो हुआ क्या, आपका जो ये वाला एंगल बना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये को टर्मिनल एंगल है किसका, इस वाले एंगल का जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर्म हुआ है। तो बेटा इस वाले एंगल का मेजरमेंट कितना है, टोटल होता है 360 में से 30 चला गया, तो ये बना -330। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस कहा था कि जो भी दो एंगल्स को टर्मिनल होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है, उन दोनों एंगल का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो वो 360 के मल्टीपल में आता है। मतलब कम से कम उनका डिफरेंस 360 होता है, 720 होगा, 360 इंटू 3 होगा, 360 इंटू 4 होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस, तो 30 माइनस 330, बड़े में से छोटा एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 प्लस 330 बन जाएगा 360। समझ में आई बात बेटा? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला एंगल था 30 डिग्री का, दूसरा एंगल है 390 डिग्री का, तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेते हो 390 माइनस 30, तो वो भी क्या मिल रहा है आपको, 360, दैट इज नथिंग बट द मल्टीपल ऑफ 360। अगर आप एक और रोटेशन इसके अंदर लेते हो तो वो क्या बन जाता है आपका, 720, दो रोटेशन ले लो और फिर ये 30 डिग्री, मतलब आपका एंगल बन रहा है बेसिकली 750 डिग्री का। तो 750 डिग्री का जो एंगल है उसमें से अगर आप ये 30 माइनस करते हो तो आपको 720 मिल रहा है, और 720 बेसिकली क्या है, 360 का 2 times है। तो मैंने सेंटेंस क्या कहा था कि जो भी दो एंगल्स कोटर्मिनल एंगल होते हैं उन दो एंगल्स का डिफरेंस जो आता है वो 360 का मल्टीपल होता है। मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरा 750 एक एंगल था जो दो रोटेशन कंप्लीट करके उसी पोजीशन पर आया था, और पहला था 30, इन दोनों का मैंने डिफरेंस लिया जो कि 360 का मल्टीपल है। इट इज़ अ, ये इंटीग्रल है ना, ये इंटीजर है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 बन गया। ये भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है, ये भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है। हाँ, तो बेटा ये जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस की है ये इम्पॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, तो इसको मिस नहीं करना है, ठीक है, सभी चीज़ों को अच्छे से देखना है और इसके ऊपर सोचना है, और ये सारी की सारी इसकी अच्छे से डेफिनेशन लिखी हुई आपको किताब में मिलेगी, आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो उसकी। ये कहाँ से कौन से किताब में मिलेगी, 11 का जो पार्ट 1 का बुक है उसके अंदर का ये फर्स्ट टॉपिक है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ एंगल, एक होता है डिग्री मेजरमेंट और दूसरा होता है रेडियन मेजरमेंट, तो दोनों भी हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो 2-3 क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री फिर स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू।